रे बाप, एक मिनट आ रहा हूँ गाइस। ये वाला यहाँ पे टेक्निक 110 पर से वर्क करेगा। फिर से किया गाइस हम लोगों ने, हीरा हीरा देख तो। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोरिंग फिशिंग। गाइस, आप लोगों ने मेरे दोस्त को देखा होगा जो काफी एक्सपर्ट है फिश पकड़ने के, तो उसी के गांव में मैं जा रहा हूं। मैं ऑलमोस्ट गांव में पहुंच चुका हूं एंड अभी मैं 30 किलोमीटर से कवर कर चुका हूं अपने घर से। मैं अभी मुझे और 20 किलोमीटर आगे चलना है, तो आपके अंदर जाना है और बहुत एक्साइटेड हूं। बहुत सारे मछलियां हैं वो बोल रहा है गाइस मस्त पकड़ेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाता हूं किस तरीके से मैं अंदर जा रहा हूं। गाइस, ये जगह हमारे टाउन से काफी आउटस्कर्ट में है। अरे यहाँ पे देखो मस्त नहा रहे हैं, तो काफी आउटस्कर्ट में फिर भी आप रास्ता देख पा रहे हो, कितना जबरदस्त है राइट। और गांव के अंदर का रास्ता मुझे देखना है अभी जाकर। गाइस अभी तो पूरा जंगल शुरू हो गया है एंड पूरा गांव के अंदर घुस रहा हूँ, ऊपर से मैं अकेला, लेकिन क्या मजा आ रहा है इस नेचर के बीच में से जाने का। तो गाइस अब घुसा हूँ, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है ऐसा बताया जा रहा है, तो देखता हूँ आगे जाकर। हे गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ एंड मैंने एक्चुअली पार्क कर लिया आगे, पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखो कितना प्यारा है, यहाँ से अंदर जाना है और ये पूरा शांत माहौल है, इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्चुअली, तो ये घर जो है तोड़ा हुआ है थोड़ा बहुत एंड ये किचन, और जिसने देखा है पहले उन्होंने देखा हुआ है। एंड देखिए किस तरीके का घर है गाँव का, कितना अच्छा लगता है, नहीं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। एंड मैंने अपने बीस्ट को यहाँ पार्क किया हुआ है एंड देन ये गाय का घर, मतलब गाय का है यहाँ पे। ओ वाओ, कितना प्यारा लग रहा है, लेके जाना पड़ेगा कुछ तरह से। देन यहाँ पे इनका गाय रहता है, वहाँ पे आगे गाय है, यहाँ पे पूरी खेती है, यहाँ एक पॉन्ड है, उसके पीछे रिवर है। हम सब जाएंगे, सब करेंगे। इतने सारे ऊँट क्या बना रहे हैं यहाँ पे लोग, कैसा लग रहा है गाय से गाँव का नज़ारा? जस्ट फीलिंग अमेजिंग यहाँ पे आने के बाद, मुझे एकदम शांत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ शांत माहौल पे आ गया हूँ। सही में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी जाएंगे फिशिंग करने के लिए। तो गाइज ये है दूसरा वाला घर, तो इसके अंदर मैं जा रहा हूँ फिलहाल एंड देखो किस तरीके से बना है, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, और यहाँ पे पूरा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके, आप देख पा रहे हो एंड देन। तो गाइज टॉवल मिल चुका है, पूरा कॉटेज लग रहा है एंड शायद यहाँ पे रहने वाला हूँ मैं आज। ये देखो पूरा गाँव का एंड ऊपर ये फैन एंड ऊपर बिल्कुल ये टीन वाला जो है आई थिंक छत दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जल्दी से चलता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ एंड देन फिशिंग के लिए जाना पड़ेगा ना। जस्ट लविंग दिस गाइस, पूरा थक चुका हूँ, मैं नहा वहा के आता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको। खाना वाना मिलेगा तो खाने के बाद चलते हैं। गाइस नहाने के बाद तो ऐसा लग रहा है एकदम जन्नत मिल गया है, पूरा रिलैक्स्ड। और अभी खाना खाएंगे एंड फिर जाने वाला मछली पकड़ने के लिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। ओके, खाने में देखो गाइस खिचड़ी है, ये लाबरा बोलते हैं यहाँ पे, इट इज ये पूरी है, ये पायस है आई थिंक, दही है, देन ये रसगुल्ला एंड ये देखो आलू फ्राई, नमक वगैरह सब एंड इनका किचन है, कितना बढ़िया है ना। तो पहले मैं खा लेता हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी। तो गाइस खाना वाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपने इसको पहचान लिया, तो इसी के घर पे मैं आया हूँ, इतनी देर से मैं नहीं दिखा रहा था। तो इसी गाँव में हम लोग घूम रहे हैं और अभी जाने वाले हैं। बाल्टी ले लिया और क्या क्या लिया दिखा, काफ़ी सारे इसमें कुछ कुछ लिया है, इसने बताया कि बहुत सारे फिश है, तो चलते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। और चलो तू कुछ दिखाने वाला था, अनानास दिखाने वाला था ना, देखते हैं चलो। तो आगे तीन है और ना, तो ये देखो ये कौन सा अनानास है, कुछ पता है क्या? सिंपल, कैसा मीठा होता है ये? हाँ। कब पकेगा? 2-3 दिन बाद। अच्छा, तो गाइस अभी दोपहर का 3 बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग को 2 घंटे से ज्यादा मिल जाएगा आराम से, और आप हमारे साथ बने रहिए। कितना दूर जाना पड़ेगा? 1 किलोमीटर चलना है, बाप रे। तो गाइस हम लोग चल चल कर काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, 1/2 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और रिवर पहुँचे गए, थक गया हूँ खाना खा के आया ना इसलिए। तो ये तो बता रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा फिर सीख के, देखते हम लोग पागल होते कि नहीं, है ना, देखा जाएगा। यहाँ पे तो पूरा पानी सूख गया है ना आगे की ओर। तो गाइस हम लोग रिवर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, दिखाता सामने जाकर। गाइस इसने जैसा बोला बिल्कुल करेक्ट, इतने फिश दिख रहे, इतने फिश दिख रहे, भरा हुआ है,
पूरा देखो, क्योंकि ना ये पानी कम हो गया है, तो अभी का मौसम ऐसा है ना कि पानी कम हो गया है, यहाँ पे मछलियाँ जो है ये लोग उधर देखो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, लोग काफ़ी लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं दूर से, तो इसके वजह से यहाँ पे पानी कम होने की वजह से इन लोगों ने इस तरीके से कुछ लकड़ी वकड़ी रख दिया ताकि फिश पकड़ पाए, और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग आराम से पकड़ ही पाएंगे क्योंकि पानी बहुत कम है। ये पूरा रिवर है और रिवर में सिर्फ इतना ही पानी है, देख पा रहे हो पूरा मछली ही मछली भरा हुआ है, तो दिखाता हूँ मैं। बाप रे बाप, एक मिनट आ रहा हूँ, मेरे पैर में ही घूम रहे हैं, पता है तेरे को, ये सारे बार्ब्स है, रिवर बार्ब्स है। बाप रे, मैंने इतना फिश कभी नहीं देखा था, अच्छे में तूने सही बोला। उधर से हो रहे हैं, उधर उधर। बाप रे बाप, क्योंकि एक्चुअली में इन लोग ने तो इधर देख ये पूरा बेबीज, हाँ पूरा देख भरा हुआ है। गाइस कैसा लग रहा है देख के, ये देखो रिवर प्लांट, मैं लेके जाऊंगा बाद में। हाँ दिखो, जिंदा है अभी लगा, पर ये किसका है, ये किसी का भी। यहाँ पे देख इनका साइज देख यार, बाल्टी दे रखो। यप गाइस, हमने लॉबस्टर भी पकड़ा है यहाँ पे, जो बड़ा श्रिम्प है, यहाँ पे दो पकड़ा हमने। हम लोग कर अल्टीमेट उपाय, सब ब्लॉक कर रहे इधर से हम, जैसे कि ये कर रहे हैं वहाँ से, और एक जगह पे ओपन रखे के, हाँ थोड़ा सा जगह, इतना जगह ओपन रखेंगे, तो इतना सा जगह हमने ओपन रखा है सिर्फ, बाकी सब ढक दे रहे हैं। गाइस ये वाला यहाँ पे टेक्निक 110% वर्क करेगा, क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं है, और यहाँ से सब भाग के जब आएंगे इसके अंदर फंसेंगे, तो देखना आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये यहाँ पे है और हम आ रहे हैं भगा कर, इतने मछलियाँ हैं ना यहाँ पे, लाख लाख मछलियाँ है, मैं हज़ार भी नहीं बोलूँगा, लाख। तो भगा के आते हैं यहाँ से, बस वहाँ से काफ़ी है। गाइस ये आप देख पा रहे हो, ये इतना फिश तो मैंने सही में कहीं नहीं देखा, किसी भी रिवर में इतना फिश नहीं देखा। और ये जितने भी आप बार्ब्स देख रहे हो, ये सिंगल स्पॉट लग रहा है, डबल स्पॉट पता नहीं। तो हम भगा रहे हैं यहाँ से, बहुत गया है, कम से कम हज़ार से भी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। बाप रे बाप, जल्दी 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 करो, गुलाब पड़ा दो। गया तो बहुत है, बहुत है। हाँ पत्थर पहले कलेक्ट कर लो, पत्थर निकाल लो पहले, है बहुत है, बहुत है, देख फिर भी काफी है। ओ वाह, क्या तो कलर है यार, दिखा ये पिकॉक जैसा लग रहा है एकदम, व्हाट अ कलर डूड इस बार्ब का। ज़्यादा नहीं गया, फिर भी ज़्यादा नहीं है, हाँ जितना हमने सोचा था, पर फिर भी कम से कम इसमें कितने होंगे, 10-15। फिर से किया गाइस हम लोगों ने, हीरा हीरा देख तो, और यहाँ पे आई थिंक डैनियोस भी, ये देख डैनियोस देखा, तो डबल स्पॉटेड तो नहीं है, सिंगल ही है। ओके तो गाइस नेक्स्ट टेक्निक ये है कि इसको फिर से हम वैसे ही रखने वाले, कौन सा मछली, क्या 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 दिखा, ये तो वो ही है ना लंबा वाला, दिखा दिखा क्या फिश है ये, जियोल को मतलब इंग्लिश में कैटफिश बोलते हैं, कैटफिश टाइप का है, जो भी है यार मस्त है। तो गाइस हम लोग अभी थर्ड वाला जो अटेम्प्ट करने वाले हैं वो क्या है कि इसको हम लोग वैसे ही लगाने वाले हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा वाला आपको नेट दिख रहा है, इसको हम लोग दोनों तरफ से खींच कर लेके आएंगे ताकि कोई भी फिश जो है नीचे से ना निकल पाए और सारे फिश हमारे इस नेट के अंदर आ जाए, तो देखते हैं ये टेक्निक कितना यूज़फुल होता है। तो अभी हम लोग पानी को क्लीन होने के लिए रख रहे हैं एंड इसको यहाँ पे एज यूजुअल लगा देंगे। कितने आए, ये रहा दो, दो आई थिंक भाग गए क्या वो सब। तो गाइस फिश तो पकड़ रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यार पत्थर बहुत ज़्यादा है, तो हमें दूसरा नेट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें मिला है हमें, मैं आपको दिखाऊंगा जाने के पहले पहले क्या क्या फिश मिला है। तो गाइस मेरा सिर्फ फिश पकड़ना ही नहीं रहता, रिफ्ट उट ढूंढता रहता हूँ, पता नहीं स्टोन ढूंढता रहता हूँ, कुछ कुछ जो कुछ यूनिक है वैसी चीज़ें, तो इसलिए है ना टाइम भी इसी में चला जाता है काफ़ी। यहाँ पे भी क्या भर कर, ये शायद डैनियोस है सारा, पूरा भरा हुआ है, इधर कल लेकर आना पड़ेगा दूसरा नेट। गाइस अभी हम चले जाएंगे, लेकिन ये ट्रिप टू देख यार क्या बोलूँ, इसने ढूंढ के दिया, बहुत ज़बरदस्त है, एकदम परफेक्ट वाला है। और भी है क्या,
दे यार ड्रिफ्ट फ्रूट का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट फ्रूट छोटे वाले पसंद आते हैं अब ज़्यादा। ये नहीं भाई, ये ठीक से नहीं है, ऐसा चाहिए। देखा छोड़, पूरा रिवर का शोर है ना, और यहाँ पे कोई भी कुछ मतलब ऐसे ऊँट तो कोई कभी सर्च नहीं करता होगा। ये देखिए ये एक देख, ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले। पहले देख वो है कि नहीं ठीक से। हाँ देखा, इसको बना सकते हैं। यस अच्छा, यहाँ पे बहुत ड्रिफ्ट फ्रूट्स भरे पड़े हैं, लेकिन अभी देखो जैसे कि शाम हो रहा है तो वापस जा रहे हम लोग। इतना सारा मिल गया मुझे, अब इनको अच्छे से वॉश करके यूज़ कर सकते हो बस, क्योंकि ऑलरेडी तैयार है। चल चलते हैं। एंड गाइस कल हम लोग यहीं पे आने वाले हैं, एंड यहाँ पे भी तो यहाँ पकड़ना है। अभी यहाँ पास नेट नहीं है प्रॉपर वाला, पर कुछ फिश पकड़े मैं दिखा देता हूँ आपको। था तो भाई थोड़े से पकड़े, ज़्यादा नहीं गाइस। तापरे तो ये सारे बार्ब्स हैं यहाँ पे, और दो आपका दिख रहा है यहाँ पे बड़े वाले श्रिम्प्स। एंड कल जाने वाले, कल हम पकड़ेंगे और भी ज़्यादा फिश। इसमें कितने होंगे, 20 या 20 होंगे। सारे ट्रिप्ट उसको रख दिया यहाँ पे, और मैं कल इनको लेकर जाने वाला हूँ घर, क्योंकि आज मैं रुकने वाला यहाँ पे। जी गाइस, आज मैं रुकने वाला यहाँ पे और कल जाऊँगा। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर।